नमस्कार दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया पाम है और बहुत सारे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, एक दो साल इनके थोड़े से कठिन गए हो सकते हैं, पर ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पाम है और काफ़ी उन्नति पर ये जाएंगे। पहली चीज, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है, एक ये चीज। दूसरी, मुझे यहाँ पर एक शुक्र वलय बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इनके पाम पर मैं इंक लगाऊं तो ये शुक्र वलय दिखे, पर है पतला सा, पर फिर भी ये जीवन में प्रभाव देता ही है। तीसरी चीज़ है, इनके पाम पर ये बढ़िया सी सूर्य रेखा, पर ये बीच में ब्रेक है और आगे बढ़ रही है, ईश्वर से चल रही है। बहुत सारे पॉजिटिव साइन है इनके हाथ में और नेगेटिव साइन बहुत कम है। अब चलते हैं इनके ओवरऑल पाम एनालिसिस की ओर। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। इस तरह के लोग काफ़ी मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा खासा सफल बनाते। दूसरी चीज, इनके चारों माउंट लगभग, ये थोड़ा सा कमज़ोर है पर इतना भी कमज़ोर नहीं, बाकी के माउंट काफ़ी अच्छे। तो बेसिक सफलता यानी कंफर्टेबल जीवन ये लोग अपने जीवन में जीते हैं। इनकी वर्तमान आयु 38 इयर्स पूरे हो गए, 39 इयर्स रनिंग है और हाथ का कलर भी काफ़ी अच्छा है, ये भी प्लस पॉइंट है। इस तरह का कलर व्यक्ति को अच्छे खासी समृद्धि देता है। खर्च का पैमाना होता है व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से, पर ये कलर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनका फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है पर मुड़ रहा है, तो ऐसे लोगों की दोस्ती यारी बहुत होती है। यानी इनका अच्छा खासा समय लोगों के बीच में यानी दोस्तों के बीच में जाता है और चुटकी बजाकर इनसे दोस्ती होती है लोगों से इनकी। और सेकेंड फैलेंज काफ़ी एवरेज से बड़ा है, तो लोगों को तथ्यों के साथ या लॉजिक के साथ बात बताने में इनका अच्छा खासा समय चला जाता है। ये डिस्कशन ज़्यादा करते हैं ये लोग। कौन भी बना हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में टाइमिंग भी अच्छा रहता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है इस हाथ में। गुरु की उंगली भी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और छोटी उंगली ये भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। मुझे इनके एक ही बात पर आश्चर्य हो रहा है, इन्होंने एक बार लिखा था या वॉइस मैसेज छोड़ा था, मेरा पगार आने पर मैं आपको पेमेंट डालता हूँ। और ये पाम जॉब वाला पाम नहीं है, ये कंप्लीट बिजनेस वाला पाम है। ये अभी तक बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, ये मेरे लिए आश्चर्य का सब्जेक्ट है। दूसरा, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, इनके थर्ड फैलेंज भी काफ़ी चपटे हैं, तो कोई ऐसी कमी नहीं है, और बुध रेखा भी बनी हुई है, कोई ऐसी कमी नहीं कि ये बिजनेस नहीं कर सकते। या हो सकता है इनको बिजनेस करना हो, उसके बारे में जानकारी सेफ्टी के लिए इन्होंने मुझे पाम भेजा हो, वो भी हो सकता है। पर काफ़ी बढ़िया पाम है, इनको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इनकी जो सूर्य की उंगली है वो बड़ी नहीं है, तो थोड़ा सा हिम्मती स्वभाव नहीं होता व्यक्ति का, ये माइनस पॉइंट हो सकता है। नहीं तो जनरली इस तरह के पाम वाले व्यक्ति जॉब के अंदर नहीं दिखाई देते, क्योंकि यहाँ पर भी चौड़ाई समान है और यहाँ पर भी चौड़ाई समान है। ये जनरली इस तरह के लोग जॉब पर नहीं होते, ये खुद का कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। पर मेरे लिए ये आश्चर्य का सब्जेक्ट था कि अभी तक 38 पार कर चुके हैं, इनके जीवन में इस तरह का खेल क्यों नहीं हुआ। मैं इनसे जरूर पूछूंगा फोन पर या वॉइस मैसेज पर। अब इनके बुध पर्वत को देखें, तो बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ से उभार है। जब यहाँ से दबा होता है तो व्यक्ति में एक माइनस पॉइंट होता है, अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते, परिवार में बैठे हो या बिजनेस मीटिंग में भी बैठे हो। ये मीटिंग पूरी होने के बाद इनको याद आता है, ये चीज़ बोलनी चाहिए थी,
ये इनमें माइनस पॉइंट होता है, इसका उपाय दूंगा मैं इनको। और यहाँ पर देखे तो ये पार्ट जब उभार लेता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, पैसे से ज़्यादा। और यहाँ पर देखे तो बहुत सारी तीन लाइनें चल रही है, ये भी व्यक्ति को सेवाभावी बनाती है और बिजनेस माइंडेड बनाती है। इनकी सूर्य रेखा जैसे मैंने पहले बताया यहाँ से शुरू हो रही है, पर ये इतनी डार्क नहीं है, यहाँ तक चली और यहाँ पर आकर हल्की है, और यहाँ से वापस स्ट्रांग होकर एक और सूर्य रेखा जो स्ट्रांग बनती है। इस तरह के लोगों को शुरुआती जीवन थोड़ा संघर्षमय रहता है, पर उसके बाद धीरे 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 व्यक्ति स्टेबल पोजीशन पर पहुँचता है और अच्छा खासा समृद्ध बनता है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक शुक्र वलय की आभास भी हो रहा है, हो ना हो इनके हाथ में अगर इंक लगाया जाए तो ये 100% शुक्र वलय होगा ऐसा लग रहा है। तो अगर ये शुक्र वलय है तो व्यक्ति जहाँ आम इंसान 1000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों कमाते। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर देखें तो उसके पहले यहाँ पर एक विद्या रेखा देख रही है। इस तरह की विद्या रेखा व्यक्ति को बेसिक ज्ञान बहुत ज़्यादा रहता है और इनसे आकर्षित होकर लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पूछ कर काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ती जाएगी। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके पाम में बनी है, तो जीवन में ये मल्टीपल प्रॉपर्टी भी क्रिएट करेंगे। और जब शनि पर्वत यहाँ से थोड़ा सा उभार होता है तो व्यक्ति में एक की कमी रहती है, इनको सुबह आंखें खोलने में, सुबह उठने में, जागने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, पर एक बार बेड से उतर गए उसके बाद पूरा दिन एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर देखें तो इनकी जो फेट लाइन है उसकी दिशा भी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और ये विदेश में ही रह रहे और ये विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है, और कंटिन्यू फेट लाइन है तो इनके बुढ़ापे तक अर्निंग मिलती रहेगी, कंफर्टेबल इनकम आती रहेगी, कोई टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है इनको जीवन में, बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम आती रहेगी और मल्टीपल इनकम भी देती रहेगी। हाँ, इनका गुरु पर्वत थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा हल्का सा ये पार्ट उभार लिए हुए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्का सा है। तो एक परिवार से दूर रहना पड़ता है व्यक्ति को जब गुरु पर्वत आपका छोटा रहता है। और दूसरा, यहाँ से थोड़ा सा उभार होने पर हो सकता है परिवार और पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो, बाकी गुरु पर्वत इतना भी माइनस पॉइंट नहीं है, काफ़ी बेटर है। और यहाँ पर देखे तो हॉरिजॉन्टल लाइनें चल रही है, एक तो दिख रही है एक दूसरी भी दिख रही है, तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के स्रोत तैयार होते हैं। इनका अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है और अच्छा खासा उभार लिए हुए है। इस तरह का अंदरूनी मंगल व्यक्ति को शारीरिक क्षमता अच्छी देता है, यानी शरीर में एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, शरीर की ताकत काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसे लोग बचपन में काफ़ी खेलकूद किए रहते हैं। और बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और दूसरी चीज, किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, एक प्लस पॉइंट है। और इनका चंद्र पर्वत भी देखने लायक है, क्लास चंद्र पर्वत है, और यही चंद्र पर्वत व्यक्ति को विदेश से संबंध लाता ही है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अच्छा चंद्र पर्वत आपका विदेश से संबंध लाएगा जरूर, और ये काफ़ी अच्छा चंद्र पर्वत है। और इनकी जीवन रेखा से निकलने वाली रेखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ये भी लॉन्ग स्टे विदेश की ओर इशारा करती है। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो आपकी सोच अच्छी होती है, पानी दूध से बनी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है, और निर्णय शक्ति बहुत पावरफुल होती है, और आप जो वस्तुएं खरीदते हो वो वैल्यू फॉर मनी होती है। तो बहुत सारी प्लस पॉइंटें होती है चंद्र पर्वत के कारण। और एक बुध रेखा आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी बुध रेखा है, हाँ बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूर है इसमें, यहाँ पर चली और यहाँ से यहाँ चली,
रेखा थोड़ी सी हल्की है पर है जरूर, और उसके द्वारा बनने वाला एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी है। तो ये मनी ट्रायंगल भी व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम देता है और अच्छी खासी इनकम देता है, और बुढ़ापे तक अच्छी खासी समृद्धि व्यक्ति हासिल कर लेता है, और इस तरह की बुध रेखा वाला व्यक्ति भी जीवन में सफल बनता है। हाँ, यही नॉन स्टॉप चलती होती, एक ही सीधी लाइन होती तो बहुत बड़े साम्राज्य को हैंडल करने वाले बनते थे ये। पर इतनी भी बुध रेखा अगर किसी के हाथ में है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं है, तो ये जॉब भी करेंगे तो बड़ी पोस्ट पर पहुँचेंगे, ये कभी ना कभी छोटी पोस्ट पर नहीं रहेंगे, और ये बिजनेस भी करेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत देखिए एकदम एक गेंद की तरह है, यानी काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है। ये लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट भी होते और साथ में पैसा खर्च करने में भी एक्सपर्ट होते, और गुरु पर्वत थोड़ा सा छोटा है। ये दोनों को अगर बैलेंस किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी समृद्धि आती है, बहुत ज़्यादा समृद्धि पाता है व्यक्ति जीवन में। शुक्र पर्वत अच्छा है और कोई कमी इस शुक्र पर्वत पर नहीं है, लग्जरियस लाइफ भी है, तो कंफर्टेबल जीवन ये अपने जिएंगे, शुक्र पर्वत की ओर से कोई कमी नहीं है। अब इनकी हृदय रेखा भी कितनी अच्छी है, पूरी गुरु पर्वत से शुरू होकर कव लेकर पूरी घुमाव लेकर आगे बढ़ रही है। जब इस तरह की हृदय रेखा होती है तो भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे, इवन 10 भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक इंसान होते। और इनको दुश्मनी क्या होती है पता ही नहीं होता, सबसे प्रेम पूर्वक रहते, सबसे सच्चे प्रेमी होते। ईश्वर ऐसे लोगों को अच्छे स्वभाव का, इतने अच्छे स्वभाव का बना के भेजता है कि सबके ये प्यारे होते हैं, और सबसे मित्रतापूर्ण इनका व्यवहार होता है, कंप्लीट सच्चे प्रेमी होते हैं। पास में रहने वाले से लेके दोस्तों से लेके परिवार से लेके हर व्यक्ति से इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, और काफ़ी अच्छी हार्टलाइन है, मुझे इस हार्टलाइन पर कोई कमी नहीं लग रही है, कंफर्टेबल जीवन अपना जिएंगे। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन। माइंड लाइन में थोड़ी सी कमी है क्योंकि ये अंदरूनी मंगल से शुरू होकर इस तरह से चल रही है और यहाँ से एक शाखा बाहर निकल रही है। जब अंदरूनी मंगल से आपकी माइंड लाइन शुरू होती है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते या दिमाग में रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और जब आपकी इतनी बैंड होती है चंद्र पर्वत पर तो इमेजिनेशन पावर एक्सट्रीम लेवल का बढ़ जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको ऐसा लगता है जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चलती है, आप ज़्यादा धार्मिक बनते हो। और एक माइनस पॉइंट सबसे बड़ा रहता है, वो रहता है परिवार में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते। ये वीडियो मिलने के बाद आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अगला दुखी होगा उसके कारण आपको दुख मिलेगा, तो ये आदत आप छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ आपको हार्ड होगा ये आदत छोड़ने में, पर ये छूटने की कोशिश करोगे तो छूट भी जाएगी। बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है, माइंड लाइन है। और यहाँ पर देखे तो ये एक डबल शाखा निकल रही है, और इसका पीरियड लगभग उम्र के 44 के आसपास इनके जीवन में, 42 या 44 के आसपास इनके जीवन में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और 42 या 44 पामिस्ट्री है क्योंकि ऑफिस में होता है तो व्यक्ति फुटपट्टी से मैं काउंट कर सकता हूँ, पर यहाँ पर एक लाइन खींचनी होती है तो एक दो साल इधर उधर जा सकते हैं। 42 या 44 में आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जीवन में आएगी और आपके जीवन की गाड़ी की रफ्तार काफ़ी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में डबल रेखा निकली यानी वहाँ से उस व्यक्ति का विकास भी
अच्छा खासा होना शुरू होता है, और ये लोग कम्युनिकेशन के बादशाह होते हैं, इनको कम्युनिकेशन का लेवल काफ़ी हाई होता है, लिखने की कला में महारत हासिल होती है, कम्युनिकेशन मास्टर होते, ये सारे गुणों के कारण व्यक्ति विकास करता है और 100% विकास व्यक्ति का होता है जब आपकी माइंड लाइन डबल है, तो आप आम लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो ये काफ़ी बेस्ट माइंड लाइन है इनकी। अब इनकी जीवन रेखा भी देखें तो केवल थोड़ा सा ये पार्ट जीवन में तकलीफ वाला गया होगा, ये लगभग होगा 15 से लेके 20 साल के आसपास का अंदाजित मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी हल्की होती है जीवन रेखा उस समय संघर्षमय जीवन रहता है। पर यहाँ पर देखें तो एक त्रिकोण भी बन रहा है, तो कोई ना कोई डिग्री भी व्यक्ति को प्राप्त हुई रहती है, या कोई व्यक्ति अच्छी पोजीशन पर पहुँचता है, यानी परिवार को फायदा हुआ रहता है डिग्री नहीं मिले तो। और यहाँ से इनके जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर सीधी चंद्र पर्वत की ओर छू रही है, और काफ़ी अच्छा घुमाव भी है, तो जीवन रेखा तो काफ़ी बेस्ट है, कोई कमी नहीं है, और उस पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का वार भी नहीं है। एक है ये 38 जो वर्तमान पीरियड में चल रहे इसी पीरियड में, और उसके पहले भी कोई आया होगा तो लगभग 30 के आसपास कोई राहु रेखा आई होगी उसने काटा है, और एक 44 के आसपास इनके जीवन में, और एक 50 के आसपास इनके जीवन में राहु रेखा काट रही है। ये इतनी रेखाओं को छोड़कर इनके जीवन में कोई राहु रेखाएं नहीं है, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे अगर ये 38 की भी गिने तो ये मुश्किल से 3 या 4 महीने का प्रॉब्लम दिखा रही है। हाँ, कोई ना कोई नुकसान जाता है व्यक्ति को, और उसके बाद ये जो 44 वाली है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने का टेंस इनको जीवन में देगी, और ये 50 वाली तो हार्डली 1-2 महीना दिया या 1.5 महीना दिया, तो इससे ज़्यादा स्ट्रांग राहु रेखा नहीं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है इनको जीवन में। बाकी इनका जीवन काफ़ी उत्तम रहेगा। हाँ, थोड़ा सा शरीर का वजन ज़रूर बढ़ेगा, और बाकी जीवन काफ़ी उत्तम इनका रहने वाला है, कोई भी कमी नहीं है। अब फेट लाइन इनकी डबल है, एक तो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से सीधी चली, और इस तरह से थोड़ी थोड़ी ब्रेक होकर चल रही है, और एक फेट लाइन जीवन रेखा से निकल कर यहाँ थोड़ी सी लथड़ाई है और उसके बाद सीधी चली। अब दो दो फेट लाइन होती है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, व्यक्ति के जीवन में समृद्धि ज़्यादा होती है। और इसी फेट लाइन पर देखें तो एक लगभग 27-28 के आसपास इनके जीवन में प्रॉब्लम आई होगी, एक 24 के आसपास आई होगी खर्च, ये खर्च बता रही है, सीधी रेखा काटती है तो केवल खर्च दिखाती है। एक 27-28 के आसपास एक थोड़ी सी अगर यहाँ से निकली होगी तो ये इन्वेस्टमेंट दिखा रही है 32 के आसपास, और यहाँ आकर ये रेखा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी, 36 से लेके 38 के पीरियड में कमज़ोर बनी, और यहाँ से हृदय रेखा से एक इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, 38 के आसपास इनके जीवन में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी हुआ हो सकता है या होने वाला है, और यहाँ से इनकी फेट लाइन काफ़ी अच्छी होकर आगे चल रही है, और कोई कमी नहीं है इस फेट लाइन में। हाँ, हो सकता है 50 के आसपास एक बारीक रेखा ने हल्का सा काटा है, इससे ज़्यादा कोई इस फेट लाइन पर कोई कमी नहीं है, और ये फेट लाइन जो है ये लथड़ लथड़ कर चल रही है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर ये काफ़ी स्ट्रांग है, केवल यहाँ आकर थोड़ी सी 36 से लेके 38-38 तक थोड़ी सी तकलीफ दायक है, पर उसके बाद काफ़ी अच्छी चल रही है, तो काफ़ी बेटर पाम है, और बुढ़ापे तक इनकम के सोर्स इनके जीवन में बने रहेंगे, ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं, इतना अच्छा उत्तम पाम बहुत कम लोगों को मिलता है, और काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और ये सूर्य रेखा भी जब ये एक्टिव होगी इस पीरियड में लगभग 56 के आसपास से, तो एक कंफर्टेबल इनकम भी आपके जीवन में आएगी, जो आपको कंफर्टेबल इनकम थी वो अभी यहाँ पर इतनी सूर्य रेखा स्ट्रांग नहीं है, तो काफ़ी उत्तम पाम है,
कलर अच्छा है, रेखाएं अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और राहु रेखाएं भी जो काट रही है बहुत हल्की काट रही है, बहुत ज़्यादा नहीं काट रही है, तो काफ़ी उत्तम जीवन रहेगा। हाँ, एक आपको इसका उपाय करना और एक थोड़ा सा गुरु का उपाय करना, ये दो छोड़कर कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।